हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और आप लोग की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी जो बच्चे हम लोग को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ज़रा कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही जो तो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं ज़रा कन्फर्म कर दें ऑडियो वीडियो ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा है और जो हमारे रेगुलर वाले बच्चे जूम पर हमको अटेंड कर रहे हैं वो भी कन्फर्म कर दें ऑडियो वीडियो ओके आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है ऑल गुड आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बारी जरा आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें और लाइक like बटन जरूर से प्रेस कर दें लाइक like बटन जरूर से प्रेस कर दें और सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन डेली हम लोग लाइव मिलेंगे बच्चों बेनागा ठीक है बशर्ते आप लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स देना ठीक है आप लोग अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स दोगे तो आई प्रोमिस यू मैं साथ नहीं छोड़ूंगा आप लोग का और लास्ट तक जितना रिविजन पॉसिबल हो सकता है आर टी ये वो हर चीज़ मैं आपके साथ कवर अप करूंगा ठीक है इस बार मैं टैक्सेशन के लाइव सेशंस नहीं लगाऊंगा यूट्यूब पे मैं सिर्फ और सिर्फ एफ एम ईको पे ध्यान दूंगा तो इफ़ यू वांट कि सर ये चलता रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों से चाहिए और वो सपोर्ट अगर आप देंगे तो एक मोटिवेशन आता रहेगा कि आप लोग के लिए कुछ करना है राइट right? तो एक बारी जो लोग यूट्यूब में हैं एक बार लाइक like बटन प्रेस कर दीजिए अगर लाइक like नहीं किया है तो लाइक like का बटन प्रेस कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी मटेरियल को बेस बनाएंगे स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन हम, लो हम लोग कवरअप करेंगे टेस्ट और नॉलेज के सारे क्वेश्चन कवरअप करेंगे एंड वंस वी आर कंप्लीटेड विद दिस एफ एम पार्ट देन हम लोग इको का सुपर फास्ट मैराथन करेंगे चैप्टर वाइज एंड देन वी आर गोइंग टू डू विदीपी पास्ट एग्जाम्स ठीक है तो बस तुम लोग को टाइम फिक्स रखना है रात को सात बजे मेरे साथ ज्वाइन करना है प्रथम जी थैंक यू चलिए जिनको स्क्रीन ब्लर लग रहा है वो लोग अपनी सेटिंग्स पे सेटिंग्स पे जाके पे जाके ठीक कर ले सेटिंग्स पे जाके वीडियो क्वालिटी आप लोग ठीक कर ले सेटिंग्स पे जाके वीडियो क्वालिटी ठीक कर ले हम लोग वन जीरो एट जीरो पी पे स्ट्रीम कर रहे हैं आप अपने एंड पे उसे ठीक कर ले चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा सिलेबस भी क्लास में इसी तरीके से शुरू होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो जिस सीरीज में हम लोग हमारा रेगुलर क्लास करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज डिविडेंट डिसीजन वर्किंग कैपिटल कैपिटल बजटिंग रेशियोज इसी तरीके से मैं इसको टेकअप करूँगा और रेगुलर बेसिस पर चीज़ें चलती रहेंगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज यू नो कि सर कंपनी जो भी फंड्स रेज करती है उन फंड्स का कुछ कॉस्ट होता है कुछ रिटर्न देना पड़ता है जिनसे हमने फंड्स लिए होते हैं तो अगर आपने डेप्ट ली है डिबेंचर से या फिर बैंक से तो आपको उनको इंटरेस्ट पे करना है अगर आपने इक्विटी से पैसा उठाया है तो उसको डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस से पैसा उठाया है तो उसको आपको डिविडेंड पे करना है तो ये जो आपने फंड रेज करे हैं जो आपने बिजनेस में लगाए हैं इनके बदले में आपको कुछ रिटर्न देना पड़ता है उसी रिटर्न को क्या बोलते हैं उसी रिटर्न को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे पास कैपिटल में जैसे मैंने बोला डेप्ट हो सकता है बॉन्ड हो सकता है टर्म लोन हो सकता है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है आपका रिटेन अर्निंग हो सकती है इन सब सोर्सेस की इन सब सोर्सेस की अपनी अपनी कॉस्ट होती है तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर वो इंडिविजुअल सोर्स की कैपिटल कॉस्ट निकालना सीखना है एंड देन हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखना है जिसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं तो आज का टारगेट मैं ये लेकर आया हूं कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल सोर्सेस हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना हम लोग सीख लें सारे इलेस्ट्रेशन हम लोग आईसीआई के निपटा दें और फिर सेकेंड पार्ट के अंदर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हम लोग कर लेंगे ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सर सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट की कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं केडी की केडी दो तरीके का रहता है एक वो जो इर होता है और एक वो जो रिडीमेबल होता है इर कौन होता है सर जिसका रिडम्पन का टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है उसको हम लोग इर बोलते हैं और जिसके रिडम्पन का टाइम फिक्स हो चुका है उसे हम लोग रिडीमेबल डेप्ट बोलते हैं

पे करने से पहले अपने प्रॉफिट्स में से रिड्यूस कर सकते हो तो इंटरेस्ट आपके लिए एक टैक्स सेविंग लेकर आता है अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा एक लाख रुपए का है और आपके पास टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट का है तो ये एक लाख रुपए आपके फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फिफ्टी परसेंट सेव करा देते हैं क्योंकि आपका प्रॉफिट एक लाख रुपए से क्या हो जाता है कम हो जाता है राइट तो इंटरेस्ट से आपको क्या मिलती है टैक्स सेविंग मिलती है इसीलिए जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम वो वाला इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं जो टैक्स सेविंग के बाद वाला रहता है राइट इंटरेस्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हो सकता है कंपनी ने दस हजार डिबेंचर इश्यू करे हो लेकिन आप इंटरेस्ट एक डिबेंचर का निकालेंगे मतलब कि ये जो कॉस्ट हम निकाल रहे होंगे वो हम लोग एक डिबेंचर की निकालेंगे जो तो एक डिबेंचर की कॉस्ट होगी वही आपके बाकी डिवेंचर की भी कॉस्ट निकलकर आ जाएगी राइट तो आपका केडी क्या केडी किसका सॉरी uh, केडी का मतलब क्या है केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स इसमें आई का मतलब क्या है आई का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट एनपी का मतलब क्या है एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिवेंचर और द करंट मार्केट प्राइस अब यहां पर इंपॉर्टेंट है यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है नेट प्रोसीड्स ऑफ द डिवेंचर और करंट मार्केट प्राइस अगर आपका नया डिबेंचर है बेटा अगर आपका नया डिवेंचर है और आपको इश्यू प्राइस गिवेन है अगर आपका नया डिवेंचर गिवेन गिवें है और आपको इश्यू प्राइस गिवेन है तो इश्यू प्राइस को कंसीडर किया जाएगा आपकी नेट प्रोसीड्स को निकालने के लिए नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है इश्यू प्राइस में से आप फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या करोगे आप इशू प्राइस में से फ्लोटेशनोगे का, का है तो आपकी है, मतलब कंपनी डिबेंचर्स पहले से इशू कर चुकी है नए डिबेंचर्स इशू नहीं हो रहे तो ऐसे केस में आप किसको पकड़ के चलोगे ऐसे केस में आप मार्केट प्राइस को पकड़ के चलोगे ऐसे केस में आप किसको पकड़ के चलोगे, पकड़ के चलोगे? मार्केट प्राइस को पकड़कर चलोगे राइट एवरी वन तो आपका यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपके पास नया डिबेंचर है तो उस केस में आपको इश्यू प्राइस लेना है और अगर आपका एग्जिस्टिंग डिबेंचर है तो उस केस में आपको मार्केट प्राइस को कंसिडर करना है ठीक है टी स्टैंड फॉर टेक्स रेट बेसिक सी चीज है आप लोग को आती है एग्जाम्पल देखते हैं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी फाइव अगो सोना लिमिटेड ने बारह परसेंट इन रिडीमेबल डिबेंचर इशू करे एट रूपीज वन जीरो थ्री रुपए प्रीमियम पे टू देयर पार वैल्यू वैल्यू ऑफ मतलब इसकी फेस देखे तो की थी इसकी इशू वैल्यू तीन साल पहले सॉरी इशू वैल्यू एक सौ तीन रुपए की थी करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज नाइंटी फोर करंटली इसका मार्केट प्राइस बेटा नाइंटी फोर चल रहा है तो अब जरा मुझे बताओ नेट प्रोसीज निकालने के लिए तुम किसे कंसिडर करोगे नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए तुम 103 को कंसीडर करोगे कि 100 को कंसीडर करोगे कि 94 को कंसीडर करोगे एवरीवन आप नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए किसे कंसीडर कंसिडर करोगेस्टिंग डिबेंचर एग्जिस्टिंग डिबेंचर के केस में मैंने आपको क्या बताया अभी एग्जिस्टिंग डिबेंचर के बेस पे आप क्या कंसीडर करोगे मार्केट प्राइस को कंसीडर करोगे दैट मींस आप 94 को कंसीडर करोगे केडी निकालने के लिए केडी कैसे निकलेगी डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टैक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टैक्स इंटरेस्ट किस पे निकालोगे इंटरेस्ट एक सौ तीन पे निकालोगे कि नाइंटी फोर पे निकालोगे कि हंड्रेड पे निकालोगे हमेशा ध्यान रखना चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो ये दोनों चीजें किस पे कैलकुलेट करी जाती है फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करी जाती है आपने डिबेंचर पार पे इशू किया प्रीमियम पे इशू किया डिस्काउंट पे इशू किया मतलब नहीं बनता आपका शेयर मार्केट प्राइस पे इशू हो रहा है मार्केट प्राइस से कम पे इशू हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा 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 फेस वैल्यू पे ही दिए जाते हैं यानी कि बारह आप कैलकुलेट करोगे सौ पे दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा बारह रुपए का नेट प्रोसीड्स में आप लिखोगे 94 मल्टीप्लाई करा दोगे टैक्स रेट से टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 35% फाइव परसेंट वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव इसको आप सोल्व करेंगे निकलकर आ जाएगा आपके पास निकल कर आ जाएगा क्लियर क्लियर है है बिल्कुल ईजी है अब बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर की रिडीमेबल के डिबेंचर्स के केस में आप कॉस्ट कैसे निकालोगे आप कॉस्ट निकालोगे इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स अगेन इंटरेस्ट का खर्चा टैक्स सेविंग के बाद प्लस करोगे रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन ये प्लस करोगे और डिवाइड करोगे रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स के एवरेज से इंटरेस्ट वन टैक्स में करोगे रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड के difference को उसके एवरेज से, से राइट अब यहां पे नेट प्रोसीड्स का मतलब वही है कि अगर आपका नया डिबेंचर इश्यू हुआ है तो इश्यू प्राइस ले लेना एग्जिस्टिंग डिबेंचर है तो आप मार्केट प्राइस ले लेना नेट मतलब आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है डिबेंचर को करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस आप इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे अच्छा रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या है रिडम्शन के वक्त आप डिबेंचर फोल्डर को क्या अमाउंट पे करने वाले हो, हो सकता है रिडम्पन पार पे हो रहा हो तो रिडीमेबल वैल्यू पार वैल्यू हो जाएगी हो सकता है रिडम्शन प्रीमियम पे हो रहा होर एग्जाम्पल सौ रुपए का डिबेंचर है पांच परसेंट प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो रिडीमेबल वैल्यू आपकी एक सौ पांच हो जाएगी ये डिपेंड करेगा कि आपका रिडम्शन किस वैल्यू पे हो रहा है ठीक है अच्छा अगर आपका अगर आपका अगर आपका अगर आपका, आपका, आपका टैक्स सेविंग ये जो फॉर्मूला है हमारा ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि आपको टैक्स सेविंग केवल किस पे मिल रही है आपको टैक्स सेविंग केवल इंटरेस्ट पे मिल रही है यह फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है कि टैक्स सेविंग आपको सिर्फ किस पे मिल रही है इंटरेस्ट पे मिल रही है लेकिन अगर आपको टैक्स सेविंग टैक्स सेविंग जो, जो रिडम्शन पे प्रीमियम है जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है उस पर भी मिल रही होगी तो आपका फॉर्मूला क्या होगा तो वन माइनस टैक्स इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा वन माइनस टेक्स इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ इसके साथ आप वन माइनस टी का मल्टीप्लाई कराओगे ये वाला फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब क्वेश्चन आपको ये बोले कि भाई साहब डिस्काउंट पे और प्रीमियम ऑन रिडम्शन पे टैक्स सेविंग मिल रही है क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोले कि रिडम्शन पे और डिस्काउंट पे आपको टैक्स सेविंग मिल रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट आप यही मानोगे कि टैक्स सेविंग सिर्फ किस पे मिलती है टैक्स सेविंग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे मिलती है राइट right? एग्जाम्पल देखते हैं इलेस्ट्रेशन नंबर टू कंपनी ने इश्यू किए टेन थाउजेंड टेन ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन एक चार सत्रह टू बी मेच्योर्ड ऑन एक चार बाइस द डिबेंचर विल बी रिडीमड ऑन दूरिटी कंप्यूट करना है पे आपका इश्यू प्राइस कितने रुपए का है आप सौ रुपए का डिबेंचर दस परसेंट प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो दैट मींस सौ प्लस दस आपका इश्यू प्राइस एक सौ दस है आपके फ्लोटेशन पे कोई खर्चा नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पे क्या है फ्लोटेशन कॉस्ट यहां पे जीरो है इसका मतलब आपकी नेट प्रोसीड्स कितने की हो गई नेट प्रोसीड्स भी एक सौ दस रुपए की हो गई रिडम्पशन के बारे में क्वेश्चन बता नहीं रहा कि पार पे रिडम्पशन होगा कि प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो हम लोग मानेंगे कि पार पे रिडम्पशन होगा रिडम्पशन वैल्यू आपकी हंड्रेड हो जाएगी राइट right? एक चार सत्रह को आपने डिबेंचर इश्यू करे हैं एक चार बाईस को आप रिडीम करोगे मतलब आपके पास डिबेंचर की लाइफ कितने की है आपके पास डिबेंचर की लाइफ फाइव ईयर की है कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग थर्टी फाइव परसेंट एज द टैक्स रेट क्वेश्चन तुमको बता नहीं रहा कि टैक्स सेविंग रिडम्पशन वैल्यू पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है उस पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो अब तुम क्या करोगे अब तुम टैक्स सेविंग केवल इंटरेस्ट पे ही क्लेम करोगे राइट right? यानी कि तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट का रेट कितना है बच्चे इंटरेस्ट का रेट है टेन परसेंट टेन परसेंट किसका दिया जाएगा टेन परसेंट दिया जाएगा फेस वैल्यू का फेस वैल्यू कितनी है हंड्रेड टेन 10 रुपीज का थर्टी फाइव परसेंट का टैक्स रेट है रिडम्पशन वैल्यू सौ की है इश्यू वैल्यू एक सौ दस की है लाइफ पांच साल की है होल डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस हंड्रेड एंड टेन डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड सिक्स पॉइंट फाइव प्लस माइनस टू डिवाइडेड बाय फिफ्टी फाइव इंटू हंड्रेड आप ये हंड्रेड का मल्टीप्लाई नहीं भी दिखाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा एट पॉइंट एक सौ पांच फोर पॉइंट टू नाइन परसेंट फोर पॉइंट टू नाइन परसेंट एवरी वन एवरी वन ठीक कर लिया क्लियर हाँ आप चाहें तो इसके साथ अप्रोक्स लगा सकते हैं इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं इस मेथड को अप्रोक्सीमेट मेथड भी बोलते हैं ये जो हमारा मेथड है इस मेथड का नाम क्या है इस मेथड का नाम है अप्रोक्सीमेट मेथड इस मेथड का क्या नाम रहेगा बेटा अप्रोक्सीमेट मेथड ठीक है एक क्वेश्चन और देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थ्री कंपनी ने इशू करे हैं दस हजार डिबेंचर टेन परसेंट के जिनकी फेस वैल्यू सौ रुपए की है पार पे इशू किया था एक चार बारह को एक चार बारह को इशू किया था टू बी मेच्योर्ड ऑन एक चार बाईस कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑन एक चार सत्रह ध्यान से सुनना मेरी बात को कंपनी कॉस्ट कब डिसाइड करना चाहती है कंपनी कॉस्ट कब डिसाइड करना चाहती है एक चार सत्रह को एक चार सत्रह को मार्केट प्राइस अस्सी रुपए का चल रहा था ये एग्जिस्टिंग डिवेंचर है कि न्यू डिवेंचर एग्जिस्टिंग डिवेंचर है एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डिबेंचर केस में तुम्हारा इश्यू प्राइस क्या लिया जाएगा या नेट प्रोसीड्स क्या ली जाएंगी नेट प्रोसीड्स मार्केट प्राइस के बराबर ली जाएंगी यानी कितने रुपए की यानी कितने रुपए की एट्टी रुपीज की आपकी कंसीडर करी जाएंगी एवरी ठीक है ना एट्टी कंसीडर करी जाएंगी बहुत बढ़िया तो आपका नेट प्रोसीड्स नेट प्रोसीड्स हो गया आपका एट्टी रिडम्शन किस पे होने वाला है वैल्यू कितनी हो जाएगी सौ रिडम्शन कितने टाइम के बाद होगा दस साल के बाद कि पांच साल के बाद रिडम्शन कितने टाइम के बाद होगा दस साल के बाद कि पांच साल के बाद सर आप एक चार सत्रह से कैलकुलेशन कर रहे हो पांच साल के बाद रिडम्शन होगा यानी कि एन कितना है फाइव आपकी फेस वैल्यू कितनी है सौ दस परसेंट के हिसाब से तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा आपका इंटरेस्ट का खर्चा कितने रुपए का आएगा आपका इंटरेस्ट का खर्चा दस रुपए का आएगा ठीक है इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे ये मान के कि टैक्स सेविंग सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की मिल रही है टैक्स सेविंग केवल इंटरेस्ट की मिल रही है तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट दस रुपए का वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस रिडीमेबल वैल्यू सौ माइनस एट्टी डिवाइडेड बाय फाइव होल डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस एट्टी का एवरेज इन टू हंड्रेड सिक्स पॉइंट फाइव ट्वेंटी डिवाइड बाय फाइव इज फोर डिवाइडेड बाय नाइंटी डिवाइड बाय नाइंटी इलेवन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट इलेवन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट एवरी वन एवरी वन अगर यहां पर आपकी टैक्स सेविंग अगर आपकी टैक्स सेविंग इंटरेस्ट पे भी है प्रीमियम ऑन रिडम्शन पे भी है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे भी है तो क्या होगा अगर आपकी टैक्स सेविंग सब पे है तो फॉर्मूला बदल जाएगा के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट का खर्चा प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन इस पूरे के साथ आप वन माइनस टी का मल्टीप्लाई कराओगे आप आरवी प्लस आई वी डिवाइड बाई टू ये वाला मेथड तब तक मत लगाना जब तक क्वेश्चन तुमसे कहे ना जब तक क्वेश्चन तुमसे ये बात कहे ना तब तक तुम्हें ये काम नहीं करना है एवरीवन, एवरीवन, आदर्श सेली तुषार अनिरुद्ध महक पार्थ क्लियर ठीक है गुड इवनिंग अंशुल इधर सबको क्लियर यूट्यूब पे सबको क्लियर जिन्होंने बेटा लाइक नहीं किया लाइक करो वरना पाप लगेगा बेटा अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो पाप लगेगा नहीं किया तो पाप लगता है सर चलिए अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ यूजिंग वाई मेथड यूजिंग यूजिंग वाई मेथड ठीक है YTM method. Using, using YTM method, अच्छा वाई मेथड कब लगाना है जब क्वेश्चन तुमसे कहे

फील्ड टू वाले मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं आई आर आर निकालते हम लोग ऐसा रेट आइडेंटिफाई करते हैं जिस रेट पे हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या हो जाए इनफ्लो और आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है वो क्या हो जाए जीरो हो जाए इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस क्या हो जाए जीरो हो जाए ऐसा रेट हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए आपको लोअर रेट लेना पड़ता है और एक हायर रेट लेना पड़ता है लोअर रेट पे आपको क्या निकालनी पड़ती है लोअर रेट पे आपको एनपीवी निकालनी पड़ती है हायर रेट पे आपको एनपीवी निकालनी पड़ती है आई आपको आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है राजा बेटा आई का फॉर्मूला क्या होता है आई का फॉर्मूला होता है आपका जो लोअर रेट है प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एन पी वी एट लोअर रेट माइनस एन पी वी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट डिफरेंस इन रेट मतलब कि हायर रेट माइनस लोअर रेट ठीक है मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट हायर रेट एंड लोअर रेट क्लियर बेटा ठीक है सर आइए क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देख के हमको ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन देख के ज्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल नंबर टू देखिए

80 है तो कंपनी के पास इनफ्लो कितने का होगा करंट मार्केट प्राइस अगर 80 है तो कंपनी के पास इनफ्लो कितने का होगा 80 रुपीस का कंपनी अगर डिबेंचर इश्यू करेगी तो कंपनी के जेब में 80 रुपीस आएंगे कंपनी पांच साल तक अपने डिबेंचर होल्डर्स को दस रुपए का इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी पांच साल तक अपने डिबेंचर होल्डर को 10 परसेंट का इंटरेस्ट पे करेगी सौ रुपए का डिबेंचर है 10 परसेंट का इंटरेस्ट रेट है 2013 में इश्यू किया है 18 में रिडम्शन होना है पांच साल की लाइफ है और कंपनी फिफ्थ ईयर में अपने डिबेंचर होल्डर को सौ रुपए वापस कर देगी कंपनी फिफ्थ ईयर में अपने शेयर होल्डर को सौ वापस कर देगी एवरीवन एवरीवन व्हाट माय पॉइंट कंपनी फिफ्थ ईयर में सौ रुपए वापस कर देगी ये कंपनी के लिए क्या है यह कंपनी के लिए क्या है आउटफ्लो तो हमें एक ऐसा रेट ढूंढना है जहां पे प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या हो जाए बराबर हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर हो जाए ऐसा रेट हमको बेटा आइडेंटिफाई करके चलना है तो अब यह कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं रफ में अप्रोक्सीमेट मेथड लगाते हैं आप रफ में अप्रोक्सीमेट मेथड लगा देते हैं के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितने रुपए का है बेटा दस रुपए का टैक्स रेट कितना दिया गया है सर टैक्स रेट दिया गया है थर्टी फाइव परसेंट का तो वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस रिडम्पशन होगा सौ तो पे माइनस लाइफ है फाइव की डिवाइडेड बाय सौ

जो रेट होगा वो 11 और 12 के आसपास होगा वाई में आपका जो रेट होगा वो 11 और 12 के आसपास होगा तो अपन अब अप क्या करेंगे अपन अब अप क्या करेंगे अपन अब अप क्या करेंगे सर अपन अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ईयर ईयर जीरो ईयर वन टू फाइव एंड ईयर फाइव ईयर जीरो ईयर वन टू फाइव एंड ईयर फाइव कैश फ्लो ईयर जीरो में कंपनी की जेब में पैसा आएगा कितने रुपए कंपनी की जेब में अस्सी रुपए आएंगे ईयर वन टू फाइव कंपनी दस रुपए का इंटरेस्ट देगी और जब कंपनी दस रुपए का इंटरेस्ट देगी तो थर्टी फाइव परसेंट की टैक्स सेविंग होगी यानी कि कंपनी की जेब से जो नेट आउटफ्लो होगा वो ₹6.50 पचास पैसे का होगा कंपनी की जेब से जो आउटफ्लो होगा वो छह रुपए पचास पैसे का होगा और कंपनी फिफ्थ ईयर में अपने डिबेंचर होल्डर को उसके सौ रुपए वापस कर देगी तो ये सौ रुपए भी कंपनी के लिए आउटफ्लो होगा अब हम क्या करेंगे अब हम एक रेट लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इलेवन परसेंट का जीरो पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है वो वन होता है ये बात आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता है वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वन टू जीरो पॉइंट फाइव नाइन थ्री फोर थ्री पॉइंट सिक्स नाइन फाइव नाइन थ्री पॉइंट सिक्स नाइन फाइव नाइन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा 80 का मल्टीप्लाई करोगे वन से तो 80 आएगा 6.5 का मल्टीप्लाई 3.6959 से करोगे तो 24.02 और 100 का मल्टीप्लाई 0.5934 से करोगे तो 59.34 चेक करके बताओ बेटा चेक करके बताओ कितना आ रहा है 24.02 प्लस 59.34 83.36 तो यहां पे 3.36 आपके पास एनपीवी नेगेटिव में आ रही है आपके पास 3.36 एनपीवी नेगेटिव में आ रही है एवरीवन यहां तक ओके है एवरीवन यहां तक ओके okay है अनिरुद्ध महक पार्थ सेली तुषार यहां तक ओके okay है अब हम लोग एक रेट बड़ा करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट ट्वेल्व परसेंट पहले साल का तो वन ही रहेगा वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू इक्वल्स टू दो तीन चार पाँच जीरो पॉइंट फाइव सिक्स सेवन थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फोर सेवन वैल्यू निकालते हैं ये तो एट्टी ही आएगा सिक्स पॉइंट फाइव का मल्टीप्लाई थ्री पॉइंट सिक्स जीरो फोर सेवन से ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर थ्री नेगेटिव में आएगा और यहाँ पे फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो नेगेटिव में आएगा प्लस करिए कितना होता है प्लस करिए कितना होता है यस चल जाएगा चल जाएगा उतना कोई दिक्कत नहीं है तो एट्टी माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर थ्री माइनस फिफ्टी सिक्स पॉइंट माइनस का जीरो पॉइंट तेरह आ रहा है मतलब लमसम लमसम हम ये बोल सकते हैं कि वाई टी एम बारह परसेंट की है लमसम लमसम हम ये बोल सकते हैं वाई टी एम बारह परसेंट की है एवरी वन एवरी वन लमसम लमसम हम ये बोल सकते हैं कि वाई टी एम जो है वो बारह परसेंट की है आप और सॉल्व करने जाओगे तो ट्वेल्व पॉइंट टू वन आ जाएगी लेकिन अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा ठीक है प्रीति हमें हमें वहां से एक रफ आइडिया मिल जाता है वहां से हमें एक रफ आइडिया मिलता है कि हमारा रेट कहां है वाई जो है वो मोर more... वो या मैं कहूं कि वो मोर एक्यूरेट है मेथड आपको एक्यूरेट फिगर देता है जबकि अप्रोक्सीमेट मेथड आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है आइए एक क्वेश्चन और करते हैं तो क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी इसमें इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है कि नहीं दिया है नहीं दिया है आइए इलास्ट्रेशन नंबर फोर देखें टेन थाउजेंड डिवेंचर पे निकालना चाहो तो निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से सिंगल डिबेंचर पे कैलकुलेट करोगे तो आसान रहेगा तो सिंगल पे कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा ठीक है रिक्वेस्ट है जो बच्चे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे लाइक नहीं किया है तो बेटा प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए इलस्ट्रेशन नंबर फोर पे आइए इलस्ट्रेशन नंबर फोर पे आइए इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक है इसने जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू करे हैं जिनकी फेस वैल्यू एक लाख रुपए की है और ये इन्होंने इशू किया है पच्चीस सौ रुपए में इनका रीपेमेंट होगा पच्चीस साल के बाद कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट अगर हमारे पास कोई भी कॉरपोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो अगर हमारे पास कोई भी कॉरपोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो नहीं जय हम लोग लेते एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही है मैंने यहां पे इसलिए रोक दिया क्योंकि अप्रोक्सीमेट बारह परसेंट ही आएगा अदरवाइज आप तेरह परसेंट पे कैलकुलेट करते वहां एक पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाती फिर आप आई आर आर का फॉर्मूला लगा देते आपके पास आंसर आ जाता ठीक है मैंने यहां पे इसलिए रोक दिया क्योंकि पॉइंट थर्टीन ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल फिगर है पॉइंट थर्टीन ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल फिगर है इसलिए मैंने बोल दिया कि अप्रोक्सीमेटली बारह परसेंट के आसपास आंसर आ रहा होगा चलिए ये जीरो कूपन बॉन्ड वाला बात देखते हैं जीरो कूपन बॉन्ड वाली बात देखते हैं हमने वाई जीरो में पच्चीस सौ रुपए का इनफ्लो लिया है और हमें पच्चीस साल के बाद एक लाख रुपए वापस करने हैं हमें पच्चीस साल के बाद एक लाख रुपए वापस करने हैं। आज पच्चीस सौ लिए एक स... आज पच्चीस सौ लिए पच्चीस साल के बाद एक लाख रुपए वापस करने हैं पच्चीस साल के बाद हमें क्या करना है बेटा एक लाख रुपए वापस करना है तो हमें यह बताना है कि हमारी एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है हमें यह बताना है कि हमारी एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है ठीक है तो जरा ध्यान से देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस आर टू दी पावर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वाई ट्वेंटी फाइव मतलब यह प्रेजेंट वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू है यह फ्यूचर वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू में 25 साल का इंटरेस्ट क्या है जुड़ा हुआ है 25 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ हुआ है जुड़ा हुआ है Y0 में आपने कितने रुपए लिए हैं पच्चीस आपको पता नहीं है आर कितना है क्योंकि यही तो कैलकुलेट करना है लाइफ ट्वेंटी फाइव की है ट्वेंटी फाइव में आप एक लाख रुपए दोगे वन प्लस आर टू दी पावर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन लैक डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वन प्लस आर टू दी पावर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर्टी वन प्लस आर इज इक्वल टू फोर्टी टू दावर वन बाई ट्वेंटी फाइव अब अगर पावर फ्रैक्शन में है तो कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप लोग को शॉर्टकट बताया था आपको बारह बारी अंडर रूट करना है फिर आपको माइनस वन करना है फिर आपको पावर से मल्टीप्लाई कराना है फिर आपको वापस से वन प्लस करना है और फिर आपको मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन बारह बारी चलाना है ठीक है ठीक है आकर्षिता हम इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे कॉस्ट निकाल रहे हैं कि ये बॉन्ड को इश्यू करने का हमें क्या कॉस्ट पड़ा हमने आज 2500 लिए हैं 25 साल के बाद हम एक लाख रुपए दे रहे हैं तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं उसकी पर एन हमको कितनी कॉस्ट पड़ी हम ये पता लगा रहे हैं इसको आप सॉल्व करेंगे 40 को 12 बारी अंडर रूट करिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन से माइनस करिए माइनस वन फिर पावर से मल्टीप्लाई करिए पावर कितनी है वन बाय ट्वेंटी फाइव इंटू वन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव वापस से वन प्लस करिए और फिर बारह बारी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ये मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है वन प्लस आर इज इक्वल्स टू वन पॉइंट वन फाइव नाइन जीरो आर हो जाएगा वन पॉइंट वन फाइव नाइन जीरो माइनस वन दैट इज जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन और 0.159 को हम लोग क्या लिखते हैं 15.90 परसेंट ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है इसको याद रखिएगा फ्रैक्शन में कोई भी पावर हो तो आप इस शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं फ्रैक्शन में कोई भी पावर हो तो आप इस शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं एवरी जीरो कूपन बॉन्ड की कॉस्ट कितनी आएगी फिफ्टीन जीरो कूपन बॉन्ड की कॉस्ट कितनी आएगी फिफ्टीन पॉइंट नाइन जीरो इंस्टीट्यूट ने आईआरआर मेथड लगाया है इंस्टीट्यूट ने आईआरआर मेथड लगाया है इंस्टीट्यूट ने एक बारी पंद्रह परसेंट को कंसीडर किया है और एक बारी सोलह परसेंट को कंसीडर किया है और फिर आईआरआर के फॉर्मूले में पुट किया है आप चाहो तो आई से कर सकते हो आई में वाई में पच्चीस का इनफ्लो ले लेना वाई में एक लाख रुपए का आउटफ्लो ले लेना फिर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना 15 परसेंट का ऑब्वियसली y0 में वो वन होगा y25 का फाइंड करके एन निकाल लेना फिर आप पी लेना 16 लेनाट का y0 का ऑब्वियसली वन होगा ट्वेंटी फिफ्थ ईयर का फाइंड करके एनपीवी निकाल लेना फिर इन दोनों एनपीवी की बसेस पे आई का फॉर्मूला पुट कर लेना आंसर वही आएगा ये वाला मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा आपको और जो मैंने मेथड आपको बताया है इट विल बी लिटिल बिट ईजियर फॉर यू

इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव आरबीएमएल बी इज प्रपोजिंग टू सेल अ फाइव ईयर बॉन्ड ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड एट एट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हम पांच हजार रुपए का बॉन्ड आठ परसेंट इंटरेस्ट पे इश्यू कर रहे हैं द बॉन्ड अमाउंट विल बी एमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर द लाइफ इसका मतलब क्या है मतलब कंपनी हर साल एक हजार कर देगी कंपनी हर साल एक हजार रुपए रीपे कर देगी पांच हजार रुपए का बॉन्ड है पांच साल की लाइफ है कंपनी इसे एमोटाइज कर रही है इक्वली ओवर इट्स लाइफ इसका मतलब क्या है कंपनी हर साल एक हजार रुपए रीपे कर देगी मतलब आपका जो डेट का अमाउंट है वो एक एक हजार रुपए से कम होता जाएगा और जब डेब्ट का अमाउंट एक एक हजार रुपए से कम होता जाएगा तो इंटरेस्ट का खर्चा भी एक एक हजार के हिसाब से कम होता जाएगा कैलकुलेट करना है बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू एन इन्वेस्टर इफ ही एक्सपेक्ट मिनिमम रेट ऑफ सिक्स परसेंट रिटर्न आपको बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अगर आप इस बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं अगर आप इस बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है तो आपके पास फ्यूचर में जो भी आने वाला है आपके पास फ्यूचर में जो भी आने वाला है उसका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सम कर देंगे दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपके पास फ्यूचर में जो भी आने वाला है बीइंग अ इन्वेस्टर आपके पास फ्यूचर में जो भी आने वाला है उसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सम कर देंगे दैट विल बी दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं अगर आप एक इन्वेस्टर हैं राइट तो आपको 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 क्या मिलने वाला है आपको क्या मिलने वाला है आपको Y1 में Y1 में पांच हजार रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड कितने परसेंट के थे एट परसेंट के बॉन्ड थे तो आपको पांच हजार पे आठ परसेंट पांच हजार पे आठ परसेंट कितना होता है चार सौ रुपए आपको चार सौ रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा प्लस कंपनी आपको हजार रुपए वापस कर देगी कंपनी आपको हजार रुपए का प्रिंसिपल दे देगी मतलब आपके पास टोटल इनफ्लो चौदह सौ रुपए का होगा वाई टू में क्योंकि कंपनी आपको ऑलरेडी एक हजार वापस कर चुकी है तो कंपनी अब आपको चार परसेंट सॉरी चार हजार पे आठ परसेंट का ब्याज देगी चार हजार पे आठ परसेंट का ब्याज तीन सौ बीस रुपए कंपनी आपको हजार रुपए और वापस करेगी तेरह सौ बीस रुपए वायथ्री में आपको चार हजार माइनस एक हजार तीन हजार पे आठ परसेंट का ब्याज मिलेगा प्लस हजार रुपए वापस मिल जाएंगे फोर्थ ईयर में आपके पास तीन हजार माइनस एक हजार आठ परसेंट का ब्याज आएगा हजार रुपए वापस आ जाएंगे और फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर में आपको एक हजार पे आठ परसेंट का ब्याज प्लस आपके एक हजार रुपए वापस मिल जाएंगे राइट जय ना करवाऊं क्या एक एक क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाऊं हां जी बताइए क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुई एक एक हजार रुपए रीपे होते जाएंगे इंटरेस्ट का अमाउंट एक एक हजार के हिसाब से कम होता जाएगा सबसे पहला इंटरेस्ट पांच हजार पे मिलेगा अगला इंटरेस्ट चार हजार पे फिर तीन हजार पे फिर दो हजार पे फिर एक हजार पे और हर बार आपको कंपनी एक एक हजार रुपए वापस करती चलेगी राइट अब ये आपके इनफ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपके पास पहले साल का इनफ्लो आ रहा है पहले साल का आपके पास इनफ्लो आ रहा है चौदह सौ रुपए फिर तेरह बीस रुपए फिर बारह चालीस रुपए फिर ग्यारह साठ रुपए फिर एक हजार अस्सी रुपए आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और इन्वेस्टर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है बेटा इन्वेस्टर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है छह परसेंट इन्वेस्टर जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वही हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का काम करता है इन्वेस्टर को 6% परसेंट का रिटर्न चाहिए तो हम हमारे इनफ्लोस को 6% परसेंट से डिस्काउंट करेंगे पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट नाइन फोर थ्री अगले साल का जीरो पॉइंट एट नाइन जीरो अगले साल का जीरो पॉइंट एट फोर जीरो अगले साल का जीरो पॉइंट सेवन नाइन टू अगले साल का जीरो पॉइंट सेवन फोर सेवन कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कुछ नहीं करना है तो एक हज़ार अच्छा एक हज़ार अस्सी हाँ जी कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है प्रेजेंट वैल्यू के साथ चौदह सौ इन पॉइंट नाइन फोर थ्री तेरह बीस पॉइंट बीस तेरह बीस इंटू पॉइंट एट नाइन ज़ीरो ग्यारह चौहत्तर पॉइंट अस्सी ट्वेल्व फोर्टी इंटू पॉइंट एट फोर ज़ीरो वन ज़ीरो फोर वन पॉइंट सिक्स ज़ीरो ग्यारह सौ साठ इंटू पॉइंट सेवन नाइन टू नाइन वन एट पॉइंट सेवन टू वन ज़ीरो एट ज़ीरो इंटू पॉइंट सेवन फोर सेवन एट जीरो सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स सम कर लीजिए नौ सौ अट्ठारह पॉइंट बहत्तर दस इकतालीस पॉइंट साठ ग्यारह सौ चौहत्तर पॉइंट तेरह सौ बीस पॉइंट आपके पास बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आ रही है फाइव फाइव में दो हजार बचे कहा पूजा एक ही हजार तो बचे पूजा बेटा इयर फाइव में एक ही हजार तो बचे थे कंपनी के पास ये तीन हजार माइनस एक हजार दो हजार थे दो हजार में से एक हजार कंपनी ने दे दिया तो एक ही हजार तो बचा हां जी प्लीज कंफर्म प्लीज 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 कंफर्म बावन सौ बासठ रुपए बढ़ा जाए आगे कन्वर्टिबल डिवेंचर की बात करें आप कन्वर्टिबल डिवेंचर एग्जाम्पल नंबर थ्री कंपनी ने इशू करे दस हजार पंद्रह परसेंट कन्वर्टेबल डिवेंचर सौ रुपए वाले जिनकी मैच्योरिटी पांच साल की थी मैच्योरिटी पे डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ वन एस टू टेंट वन एस टू टेंट का मतलब क्या हुआ दस शेयर मिलेंगे आपको एक डिबेंचर के बदले में दस शेयर मिलेंगे आपको एक डिबेंचर के बदले में करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ट्वेल्व ईच करंट प्राइस करंट प्राइस का मतलब करंट प्राइस का मतलब आपको क्या दिया हुआ है पी जीरो दिया हुआ है हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज फाइव परसेंट पर एनएम कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज्यूमिंग थर्टी फाइव परसेंट का टैक्स रेट थर्टी फाइव परसेंट का टैक्स रेट ठीक है ध्यान से समझिएगा मेरी बात को हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे हैं हमने कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करे हैं मतलब कि रिडम्शन पे रिडम्पशन पे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा रिडम्पशन पे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा इक्विटी शेयर रिडम्शन पे डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा इक्विटी शेयर रिडम्शन कब होने वाला है रिडम्शन कब होने वाला है रिडम्शन होने वाला है फिफ्थ ईयर के एंड पे रिडम्शन होने वाला है फिफ्थ ईयर के एंड पे तो ध्यान से समझना मेरी बात को फिफ्थ ईयर के एंड पे जो इक्विटी की वैल्यू है वही तो रिडम्शन वैल्यू है फिफ्थ ईयर के एंड पे जो इक्विटी की वैल्यू है वही तो रिडम्शन वैल्यू है इक्विटी शेयर की आज कीमत इक्विटी शेयर की आज कीमत बारह रुपए की है और कंपनी का शेयर पांच परसेंट से ग्रो करता है आज कंपनी के शेयर की कीमत बारह रुपए की है और कंपनी का शेयर ग्रो करता है पांच परसेंट से कोई मुझे यह बताएगा फिफ्थ ईयर के एंड पे कंपनी के शेयर का भाव क्या होगा फिफ्थ ईयर के एंड पे कंपनी का शेयर का भाव क्या होगा पंद्रह रुपए इकतीस पैसे पंद्रह रुपए इकतीस पैसे और डिबेंचर होल्डर को एक डिबेंचर के बदले में दस शेयर मिल रहे हैं यानी कि रिडम्शन वैल्यू क्या होगी टेन शेयर मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन पॉइंट थ्री वन दैट इज वन फिफ्टी थ्री पॉइंट वन जीरो बात क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुआ रिडम्शन वैल्यू सबको क्लियर हुई रिडम्शन वैल्यू सबको क्लियर हुई अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको ये क्वेश्चन में अब आपको कुछ नहीं करना है अप्रोक्सीमेट मेथड लगा देना है कंपनी ने इश्यू किया है डिबेंचर कितने रुपए में कंपनी ने डिबेंचर कितने रुपए में इश्यू किया है बेटा सौ रुपए में तो आपकी नेट प्रोसीड्स कितने रुपए की है इस क्वेश्चन में आपकी नेट प्रोसीड्स कितने रुपए की है नेट प्रोसीड्स आपके पास सौ रुपए की है रिडम्शन वैल्यू आपने फाइंड कर ली है एक सौ तिरपन रुपए दस पैसे की है एन आपको पता है फाइव ईयर का है इंटरेस्ट आपको पता है पंद्रह परसेंट दिया जा रहा है सौ रुपए का पंद्रह परसेंट पंद्रह होता है टैक्स रेट आपको पता है इस क्वेश्चन में थर्टी फाइव परसेंट का है आप नॉर्मल तरीके से अप्रोक्सीमेट मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हैं या फिर YTM लगा के के भी आंसर आंसर निकाल निकाल सकते हैं ठीक है हो जाएगा ये वाला पहले इन्होंने मेथड से निकाल के दिया आपको फिर उसने कहा कि ऑल्टरनेटिवली तुम वाई टी एम भी लगा सकते हो तो तुम्हारा भी जो मन करे तुम वो वाले मेथड से काम कर लेना तुम्हारा भी जो मन करे वो वाले मेथड से काम कर लेना अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ अगर अगर सपोज करो सपोज करो कि ये प्राइस पंद्रह रुपए इकतीस पैसे ना आता ये प्राइस नाइंटी वन रुपीज ट्वेंटी पैसे आता सॉरी नाइन रुपीज ट्वेंटी पैसे आता ये प्राइस नाइन रुपीज ट्वेंटी पैसे आता तो रिडम्शन वैल्यू कितनी होती रिडम्पन वैल्यू कितनी होती नाइनटी टू रुपीज रिडम्पन वैल्यू कितनी होती नाइनटी टू रुपीज एक बात बताओ तो क्या डिबेंचर होल्डर ऑप्शन एक्सरसाइज करता क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा है यहां पे वर्ड क्या लिखा है उसके पास ऑप्शन है वो चाहे तो कन्वर्ट करा सकता है तो अगर आपका फिफ्थ ईयर के एंड पे एक शेयर का प्राइस नौ रुपए बीस पैसे आता तो डिबेंचर होल्डर को दस शेयर मिल रहे थे मतलब कि डिबेंचर होल्डर को मेच्योरिटी पे नाइनटी टू रुपीज की इक्विटी मिलती जबकि पार पे अगर रिडम्शन हो तो उसको सौ रुपए मिलेंगे तो वो ये ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करेगा तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई जो पार वैल्यू है या फिर जो मार्केट वैल्यू है दोनों में जो हायर होगी वही आपको एक्सरसाइज करवानी है बात समझा कि नहीं पलक कह रही है कि आई I मीन mean, प्राइस कैसे आई कौन सा प्राइस बेटा क्वेश्चन में गिवेन है ना क्वेश्चन में आपको गिवेन है ना बारह रुपए पी जीरो है पांच परसेंट की ग्रोथ है तो हमने पी फाइव फाइंड कर लिया एवरी वन प्लीज कंफर्म यार एक लाइक और मार दो तो सौ हो जाएंगे ठीक है तुम लोग लाइक नहीं करते हो और यही बात मुझको लाइक नहीं है एवरीवन। प्रेफरेंस की बात करें बेटा प्रफरेंस की बात करें आप प्रिफ्रेंस भी दो तरीके की होती है एक होती है इर और एक होती है रिडीमेबल तो जैसे आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट था वैसे ही आप कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस निकालेंगे जैसे आपने कॉस्ट ऑफ डेप निकाला था वैसे ही आप कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस निकालेंगे द ओनली थिंग इज कि डेप्ट में आपको टैक्स सेविंग मिलता था आपको प्रिफरेंस के केस में कोई भी टैक्स सेविंग नहीं मिलेगा फॉर्मूला क्या होगा अगर आपके पास इर रिडीमेबल डेप्ट है सॉरी इर रिडीमेबल प्रिफरेंस है तो फॉर्मूला क्या होगा के पी इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स और अगर आपके पास है तो फॉर्मूला क्या होगा के पी इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस नेट प्रोसीड्स का एवरेज ठीक है तो केवल और केवल टैक्स सेविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बाकी सारा का सारा कार्यक्रम सेम है बाकी सारा का सारा कार्यक्रम सेम है एक्स वाई जेड कंपनी ने दो हजार टेन परसेंट प्रिफरेंसू करे हैं सौ रुपए वाले 95 पे. करना है आपको नया इशू है और नए इशू का इशू प्राइस गिवेन है नया इशू 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 है और नए का इशु प्राइस नाइन्टी फाइव तो ये आपके लिए नेट प्रोसीड हो जाएगी दस परसेंट का डिविडेंड है तो आप अगर डिविडेंड निकालोगे तो सौ का दस परसेंट यानी कि दस रुपए का डिविडेंड निकलेगा टेन को 95 फाइव से डिवाइड करके सौ से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा आपके पास निकल कर आ जाएगा केपी ठीक है एवरी वन पूजा बेटा क्लास चलेगी लगभग लगभग साढ़े आठ बजे तक ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े इलस्ट्रेशन नंबर सेवन

3 का फ्लोटेशन है तो सौ का तीन परसेंट तीन रुपए का फ्लोटेशन हो गया यानि कि आपकी जेब में 97 रुपीज आएंगे 97 रुपीज के लिए आप बारह रुपए का डिविडेंड देंगे तो केपी कितना हो जाएगा ट्वेल्व डिवाइडेड बाई नाइन्टी रिडीमेबल आ गया आप एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इश्यू किए दो हजार टेन परसेंट प्रिफरेंस रुपए वाले कंपनी प्रपोज कर रही है कि रिडीम करेगी शेयर को ईयर में। कंपनी नहीं बता रही कि रिडम्शन पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा तो क्या माने कंपनी ये नहीं बता रही रिडम्शन पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा तो क्या माने रिडम्शन पार पे होगा बेटा इशू वैल्यू क्या लेनी है इशू वैल्यू क्या लेनी है तो रुपए लेनी है कि नाइनटी फाइव लेनी है नया इशू है नए इशू में इशू प्राइस लेते हैं अगर इश्यू प्राइस ना दिया होता तो मार्केट प्राइस ले लेते नेट कितने की हो जाएंगी फाइव नेट प्रोसीडी फाइव की डिविडेंड कितने पे दिया जाएगा डिविडेंड दिया जाएगा सौ के टेन परसेंट पे दस रुपए का लाइफ कितने की है टेन ईयर्स की है फॉर्मूले में पुट कर दीजिए केपी इज इक्वल्स टू दस रुपए का डिविडेंड सौ रुपए की रिडीमेबल वैल्यू नाइनटी फाइव की इशू वैल्यू दस साल की लाइफ दस साल की लाइफ डिवाइडेड बाय सौ प्लस 95 फाइव का एवरेज सौ माइनस नाइन्टी फाइव डिवाइड बाय टेन पॉइंट फाइव प्लस टेन एक टेन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय सौ प्लस 95 फाइव का एवरेज नाइन्टी सेवन पॉइंट बिल्कुल इजी 10.77 पॉइंट परसेंट टेन परसेंट ओके सर एवरीवन ओके टू एवरीवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपके पास बहुत सारे मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आपके पास बहुत सारे मेथड है डिविडेंड प्राइस अप्रोच अर्निंग प्राइस अप्रोच ग्रोथ अप्रोच ने दिया और कितना उसका मार्केट प्राइस उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है यानी कि जितना डिविडेंड कंपनी ने पे कर दिया पे कर दिया मतलब अभी जो कंपनी ने डिविडेंड दिया उसकी बात कर रहा हूं डी जीरो की डी जीरो को न्यूमिनेटर बनाएंगे और अभी जो प्राइस चल रहा है पी डिनोमिनेटर बनाएंगे डी जीरो को पी जीरो से डिवाइड करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलकर आ जाएगी ठीक है अगला पॉइंट अर्निंग प्राइस अप्रोच अर्निंग प्राइस अप्रोच में आप क्या करते हो अर्निंग प्राइस अप्रोच में आप इस्तेमाल करते हो ईपीएस का और किसका एमपीएस का ईपीएस को जब एमपीएस से आप डिवाइड करते हो तो आपके पास अर्निंग प्राइस अप्रोच से के ही निकल कर आ जाता है EPS को MPS से डिवाइड करते हो तो आपके पास अर्निंग प्राइस मॉडल आता है आपके पास ग्रोथ या फिर इंस्टेड ऑफ डी जीरो हम किस को लेकर चलते हैं बेटा इंस्टेड ऑफ डी जीरो हम किसको लेके चलते हैं इंस्टेड ऑफ डी जीरो हम डी वन को लेके चलते हैं डी वन क्या होता है डी वन होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड डी वन क्या होता है बेटा d1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड से हमारा क्या मतलब है सर एक्सपेक्टेड डिविडेंड से मतलब जो अगला डिविडेंड है एक्सपेक्टेड डिविडेंड से हमारा क्या मतलब है कंपनी जो अगला डिविडेंड देगी हम उसको बेसिस बनाते हैं उसको बेसिस बनाते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए ये d1 निकलता कैसे है सर जो भी आपका करंट डिविडेंड है उसमें ग्रोथ का इफेक्ट दे देते हैं जो भी आपका करंट डिविडेंड है डी जीरो है उसमें हम ग्रोथ का इफेक्ट दे देते हैं हमारे पास क्या निकल के आ जाता है डी वन निकल कर आ जाता है ग्रोथ कैसे निकलती है ग्रोथ निकलती है बेटा बी मल्टीप्लाइड बाय आर बी मल्टीप्लाइड बाय आर का मतलब क्या है सर बी का मतलब है कंपनी कितना पैसा रिटेन कर रही है कंपनी कितना पैसा रिटेन कर रही है और आर से मतलब क्या है कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी ने जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है उस पर वो कितना रिटर्न कमा रही है तो अगर लेट सपोज कंपनी का आर कंपनी का आर लेट सपोज दस परसेंट है और कंपनी रिटेन करती है बेटा फोर्टी परसेंट इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ कितनी है कंपनी की ग्रोथ कितनी है फोर्टी परसेंट मल्टीप्लाइड बाई टेन परसेंट कंपनी की ग्रोथ है बेटा चार परसेंट की बात समझ में आ गया बात समझ में आ गया जितना पैसा कंपनी ने रिटेन किया मल्टीप्लाइड बाय जितना कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज योर ग्रोथ तो हम गोल्डन मॉडल के अंदर क्या कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डी जीरो हम किस पे एम्फेसिस दे रहे हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे यानी कि डी वन पे फॉर्मूला आपके पास क्या निकल कर आएगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड को डिवाइड कराएंगे पी जीरो से और उसमें ग्रोथ क्या कर देंगे एड कर देंगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड को पी जीरो से डिवाइड कराएंगे और ग्रोथ उसके अंदर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं प्राइस कैलकुलेट करने के लिए भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं प्राइस कैलकुलेट करने के लिए भी उसे हम लोग कब सीखेंगे डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में उसे हम लोग कहां सीखेंगे डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में गॉर्डन मॉडल ने हमको बताया कि सर प्राइस कैसे कंप्यूट करा जाता है शेयर का विद दिस अप्रोच वो हमें डिविडेंड डिसीजन में सीखना है अगर मान लो कंपनी ने नया इशू किया है शेयर और नए इशू में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो हम पी जीरो में से क्या करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे P0 में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे अगर कंपनी नया शेयर इशू कर रही है जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट वो इनकर कर रही है अगर कंपनी नया इशू कर रही है और फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर कर रही है तो प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को क्या कर दिया जाएगा माइनस कर दिया जाएगा क्लियर यह चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी ये चीज यहां पर भी एप्लीकेबल होगी अगर कंपनी अगर कंपनी अगर कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट इंकर कर रही है नए इशू पे तो फ्लोटेशन कॉस्ट को पी जीरो में से माइनस करके आप कंसीडर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर नाइन देखते हैं कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज वन पर शेयर लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट टेन परसेंट एवरी ईयर कैलकुलेट दॉटी मार्केट प्राइस फिफ्टी फाइव तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड डी जीरो कितने रुपए का दिया है कंपनी ने लास्ट डिविडेंड एक रुपए का दिया है कंपनी की ग्रोथ टेन परसेंट की है इसका मतलब डी वन कितने का होगा डी जीरो मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी

इसी क्वेश्चन में अगर हम कहें कि फ्लोटेशन कॉस्ट थी दो रुपए की तो हमारा ही कैसे निकलेगा इस केस में ही कैसे निकलेगा डिविडेंड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा डिविडेंड 1.10 ही रहेगा P0 में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे G पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा G 0.10 रहेगा 1.1 का डिवीजन अब 53 से हो जाएगा अब आपके पास केई निकल कर आएगी जीरो पॉइंट वन टू जीरो सेवन इज 12.07 ठीक है सर एवरीवन, एवरीवन, ग्रोथ कैसे निकाली जाती है वो मैंने आपको बता दिया अच्छा एक और तरीका है ग्रोथ निकालने का एवरेज मेथड। एक तरीका और है ग्रोथ निकालने का एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में आप क्या करते हो जैसे मान लो ईयर जीरो में ईयर जीरो में या ईयर जीरो में आपको डिविडेंड दिया गया था दो रुपए का और ईयर फाइव में आपको डिविडेंड दिया गया है लेट सपोज टू पॉइंट सेवन जीरो का आपको ईयर फाइव में डिविडेंड दिया गया है टू पॉइंट सेवन जीरो का अब अगर आपको ग्रोथ फाइंड करनी है तो ग्रोथ कैसे फाइंड करोगे अब आपको अगर ग्रोथ फाइंड करनी है तो ग्रोथ कैसे फाइंड करोगे सिंपल दो रुपए का डिविडेंड पांच साल में ग्रो होके टू पॉइंट सेवन जीरो हुआ है दो रुपए का डिविडेंड पांच साल में ग्रो होके टू पॉइंट सेवन जीरो हुआ है

मल्टीप्लाई बाई विथ पावर प्लस वन फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का कॉम्बिनेशन बारह बारी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह एंड बारह ये आ रहा है वन प्लस जी इज इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो सिक्स वन एट जी की फिगर हो जाएगी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन एट और सिक्स पॉइंट वन एट परसेंट ठीक है तो आप एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हैं एवरेज मेथड कब लगेगा जब आपको एक साल का डिविडेंड और पांचवें साल का डिविडेंड दिया हुआ है तो एवरी वन एवरेज मैथड क्लियर है एवरेज मैथड क्लियर है दूसरा बी इन टू आर वाला मैथड है वो क्लियर है अब इंपॉर्टेंट आता है रियलाइज ईल्ड अप्रोच रियलाइज ईल्ड अप्रोच ठीक है रियलाइज्ड ईल्ड अप्रोच में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं रियलाइज्ड ईल्ड अप्रोच में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कैसे 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 पहले तो ये समझो कि रियलाइज्ड ईल्ड अप्रोच होती क्या है रियलाइज्ड ईल्ड अप्रोच आपको ये बताती है कि आपने एवरेज में कितना रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज करा है पास्ट फ्यू ईयर में हिस्टोरिकली उसी को एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दिया जाता है फ्यूचर का मतलब तुमने जो हिस्टोरिकली रिटर्न कमाया है वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तुमने ईयर वन में 25 परसेंट का रिटर्न कमाया था ईयर टू में सत्ताईस परसेंट का रिटर्न कमाया था ईयर थ्री में तुमने तीस परसेंट का रिटर्न कमाया था ईयर फोर में तुमने छब्बीस परसेंट का रिटर्न कमाया था ये तुमने पिछले चार साल में रिटर्न कमाए हैं तो तुम्हारी रियलाइज ईल्ड कितनी है तुम्हारी रियलाइज ईल्ड कितनी है जरा एवरेज निकालो पच्चीस प्लस सत्ताइस प्लस तीस प्लस छब्बीस डिवाइडेड बाय फोर तुम्हारी रियलाइज्ड ईल्ड है ट्वेंटी सेवन परसेंट इसी को क्या बोल देंगे के रियलाइज का मतलब क्या है तुमने एक्चुअली में जो रिटर्न कमाया है पिछले कुछ सालों में उसका जो एवरेज है पिछले कुछ सालों में जो तुमने रिटर्न कमाया है उसका जो एवरेज है बाईस में खड़े हैं अगर हम 2022 में खड़े हैं और मुझे 2022 में कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता करनी है तो मैं क्या करूंगा 2021 में जो हमारी रियलाइज ईल्ड थी मतलब जो हमने कमाया था 2020 में जो हमने कमाया था 2019 में जो हमने कमाया था 2018 में जो हमने कमाया था 2017 में जो हमने कमाया था डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि हम कितना पीछे जाना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट हम कितना पीछे जाना चाहते हैं चार साल पांच साल छह साल दस साल तो अगर हम पांच साल की रियलाइज ईल्ड निकालें पांच साल की रियलाइज ईल्ड निकालें तो आपको क्या करना है इन पांचों साल का इन पांचों साल का आपको केआई फाइंड करना है इन पांचों साल का आपको केआई फाइंड करना है और उसका बेसिकली क्या कर देना है उसका बेसिकली एवरेज कर देना है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच अब दो तरीके से रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच निकाली जाती है दो तरीके से रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच निकाली जाती है तरीका नंबर 1 तरीका नंबर 1 आपको 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 डिविडेंड दे रखे होंगे आपको डिविडेंड गिवन होंगे लेट से फॉर ईयर वन टू ईयर फाइव आपको फिफ्थ ईयर एंड पे सेल वैल्यू गिवन रहेगी शेयर की और आपने में शेयर कितने में खरीदा था वो वैल्यू गिवन रहेगी क्या गिवन रहेगा आपने शेयर कितने में खरीदा आपको डिविडेंड कितने मिले और शेयर बेच के आपको कितना पैसा मिला ये तीन चीजें गिवन रहेंगी शेयर कितने में खरीदा था डिविडेंड कितने मिले और आपकी सेल वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर की ये तीन चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी इन तीनों चीज के बेसिस पे आपको ये पता लगाना है कि आपने रिटर्न कितना अर्न किया जो आपका रिटर्न अर्ड है जो आपका रिटर्न अर्ड है वही आपकी केई है जो आपका रिटर्न अर्ड है वही आपकी केई है और रिटर्न अर्न का मतलब पता यहां पे क्या है आई आर आर रिटर्न अर्ड का मतलब यहां पर पता है क्या है आई आर आर बात समझा कि नहीं बात समझा कि नहीं केस नंबर वन एवरी वन देयर एवरी वन अनिरुद्ध अनिरु महक पार्थ सेली तुषार आकर्षिता दीप नाव्या कंफर्म करें प्लीज अदिति तीन चीजें आपके पास अवेलेबल रहेंगी शेयर का परचेस प्राइस डिविडेंड यानी कि इनफ्लो और फिफ्थ ईयर के एंड पे जो सेल वैल्यू है ये जो फिगर्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा इनको हम लोग बोलेंगे इनफ्लो और जो परचेस प्राइस है ऑब्वियसली वो आपके लिए क्या है वो है आपके लिए आउटफ्लो आपको क्या करना रहेगा आपको आई फाइंड करना रहेगा मतलब आपने कितना रिटर्न कमाया जो रिटर्न कमाया वही रियलाइज है रियलाइज मतलब जो तुमको मिला जो तुमको मिला वही तुम्हारे लिए क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी मिस्टर मेहरा है परचेज किए थे शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड हजार रुपए में मतलब इनकी जेब में वाई जीरो में हजार रुपए गए होंगे ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर इन्होंने अपने शेयर बेच दिए ग्यारह अट्ठाईस रुपए में आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है रियलाइज यील्ड अप्रोच से तो जरा इसको फिट करने की कोशिश करते हैं इसको फिट करने की कोशिश करते हैं Y0 में Y0 में मेरी जेब से हजार रुपए गए थे वन टू थ्री फोर फाइव पांच साल कंपनी ने मेरे को डिविडेंड दिया दस परसेंट हजार पे दस परसेंट सौ 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 और फिफ्थ ईयर में मैंने ये शेयर ग्यारह रुपए में बेच दिया ग्यारह सो रुपए में बेच दिया तो मैं एक रेंडमली 10 परसेंट पे कैलकुलेशन करता हूं रेंडमली 10 परसेंट पे कैलकुलेशन करता हूं ठीक है आप चाहें तो इधर आप सम ऑफ पीवीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो इक्वल्स टू एक दो तीन चार पाँच जीरो पॉइंट सिक्स टू वन थ्री पॉइंट सेवन नाइन ज़ीरो प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हजार रुपये नेगेटिव का यहाँ पे आ जाएगा 379 और 1128 का मल्टीप्लाई पॉइंट सिक्स टू वन से करोगे आ जाएगा 700 यानी कि आपके पास 379 आपके पास सेवेंटी नाइन रुपीज़ फोर्टी एट पैसे की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है सेवेंटी नाइन रुपीज़ फोर्टी एट पैसे की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को बढ़ाता हूं और मैं इसको तेरह परसेंट पे ले जाता हूं मैं रेंडमली कर रहा हूँ रेंडमली कर रहा हूं मैं कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे बस मुझे एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए थर्टीन परसेंट में वाई जीरो में वन होगा वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन थ्री दो तीन चार पाँच जीरो पॉइंट फाइव फोर टू थ्री पॉइंट फाइव वन सेवन प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ये मेरे पास हज़ार रुपये ही आएगा ये मेरे पास थ्री फिफ्टी वन पॉइंट सेवन जीरो हो जाएगा ग्यारह सौ अट्ठाईस इन टू पॉइंट फाइव फोर टू छः सौ ग्यारह रुपये तीन सौ छिहत्तर हो जाएगा प्लस थ्री फिफ्टी वन पॉइंट सेवेंटी माइन थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन टू नेगेटिव आ रही है मैं यहाँ तक क्लियर यहां तक सबको क्लियर एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू इसका मतलब मेरी रियलाइज ईल्ड दस और तेरह के बीच में है मेरी रियलाइज ईल्ड दस और तेरह के बीच में है आई का फॉर्मूला आप लोग को पता है लोअर रेट टेन परसेंट एट लोअर रेट सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर एट एट लोअर रेट सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर एट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इंटू डिफरेंस इन रेट परसेंटेज का साइन इग्नोर करिएगा टेन प्लस सेवेंटी नाइन पॉइंट फोर एट डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट फोर फोर इंटू थ्री टू पॉइंट जीरो फोर टेन प्लस टू पॉइंट जीरो फोर मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मेरी रियलाइज इल्ड कितने की है अप्रोक्सीमेटली मेरी रियलाइज इल्ड कितने की है बारह परसेंट की है तो मेरी के ई भी कितने की हो जाएगी बारह परसेंट की एवरी वन राजा बेटा प्लीज कन्फर्म करेंगे राजा बेटा प्लीज कन्फर्म करेंगे <coughs> YouTube वाले बच्चों ना हाँ नाम कुछ जवाब दे दो और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो अब दूसरा तरीका जो रियलाइज में होता है पहले आंसर देखना है आंसर देखना है कि मास्टर ने सही किया है कि नहीं किया ये देखिए 12 परसेंट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 परसेंट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंस्टीट्यूट ने क्या किया इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली बारह परसेंट ले लिया इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली बारह परसेंट लेके आंसर निकाल दिया मैंने जान के डायरेक्टली बारह नहीं लिया जान के मैंने दो रेट लिए एक लोअर और एक हायर ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है क्लियर हुआ रियलाइज ईल्ड का केस नंबर वन क्लियर हुआ रियलाइज ईल्ड का केस नंबर वन क्लियर हुआ रियलाइज ईल्ड का केस नंबर टू रियलाइज ईल्ड का केस नंबर टू केस नंबर टू में पता है क्या गिवन रहेगा केस नंबर टू में तुमको डिविडेंड गिवन रहेगा एवरी ईयर एंड तुमको प्राइस गिवन रहेगा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर तुमको दो चीजें गिवन रहेंगी तुमको हर साल का डिविडेंड दिया जाएगा हर साल का प्राइस दिया जाएगा प्लीज मेरी बात को समझना तो तुम क्लियरली समझ पाओगे रियलाइज्ड ईल्ड का मतलब क्या है रियलाइज्ड ईल्ड का मतलब क्या है कि तुमने क्या कमाया तुमने क्या कमाया हम जब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगाते हैं तो हम लोग क्या अप्रोच लेके चलते हैं हम लोग डी वन लेके चलते हैं डी वन का मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बताता है कि तुम क्या कमाओगे रियलाइज्ड यील्ड करंट बात करता है आज की और ये किसकी बात करता है फ्यूचर की यहां तक बात क्लियर हुई रियलाइज्ड यील्ड किसकी बात करता है आज की बात करता है साहब आज तुमने क्या कमाया और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किसकी बात करता है कि तुम फ्यूचर में क्या कमाओगे ठीक है यहां तक मेरी बात समझे कि नहीं अब जब आपको तुमको हर साल का डिविडेंड गिवन रहेगा हर साल का तुमको प्राइस गिवन रहेगा तो तुम्हारी ईल्ड कैसे निकलेगी तुम्हारी ईल्ड कैसे निकलेगी तुम्हारी ईल्ड निकलेगी d1 वन प्लस पी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाय पी जीरो अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना यहां पे यहां पे D1 और P1 का मतलब क्या है यहां पे D1 और P1 का मतलब क्या है यहां पे D1 का मतलब है करंट डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है और P1 क्या है करंट प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं है बिल्कुल उल्टा हिसाब चलने वाला है बेटा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अंदर D1 वन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आने वाला डिविडेंड P1 आने वाला प्राइस लेकिन रियलाइज ईल्ड में D1 और P1 मतलब आज का डिविडेंड आज का प्राइस क्लियर और ये जो P0 है P0 का मतलब क्या है P0 मतलब क्या है सर ये लास्ट ईयर का प्राइस है जीरो का मतलब क्या है लास्ट ईयर का प्राइस मतलब कि अगर मैं यह बोलूं यह बोलूं कि 2022 का डिविडेंड बीस रुपए का है और 2022 का प्राइस दो रुपए का है तो यह किसको डिनोट कर रहा है D1 को और यह किसको डिनोट कर रहा है पी वन को 2021 का जो प्राइस होगा वो क्या डिनोट करेगा पी जीरो बात क्लियर हुई ये बात क्लियर हुई 2022 का प्राइस अगर P1 है तो एक साल पहले का प्राइस यानी कि 2021 का प्राइस P0 है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको ईल्ड निकालनी है आपको ईल्ड निकालनी है हर साल की आपको ईल्ड निकालनी है हर साल की एंड देन आपको उसका या तो सिंपल एवरेज कर देना है या तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कर देना है क्या करना है बेटा या तो आपको उसका सिंपल एवरेज कर देना है या तो आपको उसका ज्योमेट्रिक मीन कर देना है दोनों का आंसर लगभग लगभग सेम आएगा दोनों का आंसर लगभग लगभग सेम आएगा एग्जाम्पल देखिएगा लेट्स से ईयर वन इयर टू ईयर थ्री ईयर फोर डिविडेंड बीस रुपए बीस रुपए पच्चीस रुपए पच्चीस रुपए प्राइस प्राइस दो सौ रुपए दो सौ दस रुपए दो सो बीस रुपए दो सौ चालीस रुपए आपको पी जीरो गिवन है पी जीरो गिवन है पी जीरो गिवन है पी जीरो गिवन है रुपीस 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 रुपीज रुपीस वन नाइंटी रुपीज वन ठीक है प्लीज बड़े ध्यान से प्यार से मेरी बात को समझना तभी आपको खेल समझ में आएगा अदरवाइज आपको खेल समझ में नहीं आएगा मैं ईल्ड निकाल रहा हूं पहले ज्योमेट्रिक मीन के लिए ईल्ड निकाल रहा हूं पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए ठीक है ध्यान से समझिएगा प्लीज ईयर वन की ईल्ड कितनी होगी वन की ईल्ड कितनी होगी मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया डी वन प्लस पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाई पी जीरो डी वन कितना है ट्वेंटी डी वन कितना है ट्वेंटी पी वन कितना है टू हंड्रेड और पी जीरो कितना है वन नाइनटी दैट इज दो सौ बीस डिवाइड बाई एक सौ नब्बे मतलब क्या है कि तुमने एक रुपए जब लगाए थे पी जीरो में तो वो एक रुपए एक साल खत्म होते होते एक रुपए पंद्रह पैसे बन गए एक साल खत्म होते होते एक रुपए एक रुपए पंद्रह पैसे बन गए ईयर टू की जब ईल्ड निकालोगे ईयर टू की जब यील्ड निकालोगे तो डी वन किसको लोगे ईयर टू की जब यील्ड निकालोगे तो डी वन किसको लोगे डी वन लोगे ईयर टू के डिविडेंड को पी वन किसको लोगे ईयर टू के प्राइस को और पी जीरो किसको लोगे सेकंड ईयर का लास्ट ईयर ईयर वन के प्राइस को दो रुपए को यानी कि आपकी यील्ड आएगी ट्वेंटी प्लस टू हंड्रेड एंड टेन डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड वन पॉइंट वन फाइव वन पॉइंट वन फाइव की अगर ईल्ड निकालनी है तो कितनी होगी डी वन पच्चीस दो सो बीस डिवाइडेड बाय दो सो दस वन पॉइंट वन सिक्स 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 और ईयर फोर की अगर ईल्ड निकालोगे तो ईयर फोर की ईल्ड कितनी निकलेगी पच्चीस प्लस दो सौ चालीस डिवाइडेड बाय दो सौ बीस कितना आ रहा है कितना आ रहा है एवरीवन यहां तक क्लियर है सबको यहां तक क्लियर है सबको शिवांगी आदिति मयूर इधर महक सेली तुषार अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखिएगा ज्योमेट्रिक मीन कैसे क्या ध्यान काम करता है जरा ध्यान से देखिएगा आपकी जो ईल्ड वन है उसका मल्टीप्लाई ईल्ड टू से उसका मल्टीप्लाई ईल्ड थ्री से एंड सो ऑन ईल्ड इन्फिनिटी तक एंड सो ऑन ईल्ड इन्फिनिटी तक डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस वन ईल्ड वन कितनी है ईल्ड वन कितनी है बेटा वन पॉइंट वन फाइव सेवन एट

टू दी पावर वन बाय फोर माइनस वन अब पावर वन बाय फोर सोल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है बारह बारी अंडर रूट एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन मल्टीप्लाई विद पावर वन पॉइंट एट सिक्स वन पॉइंट एट सिक्स फोर जीरो एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन डिवाइड बाय चार। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा वन पॉइंट वन सिक्स एट फोर माइनस वन सिक्स एट फोर परसेंट सिक्सटीन पॉइंट एट फोर परसेंट बेटा जी क्लियर हुआ मैं स्टेप बता दूं दोबारा से हमें क्या करना है हमें क्या करना है हमें सबसे पहले ईल्ड निकालनी है हर साल की आपको ईल्ड निकालनी है हर साल की ईल्ड कैसे निकलती है डी वन प्लस पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो जब आपके हर साल की ईल्ड निकल जाएगी तो आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे ईल्ड वन मल्टीप्लाइड बाय ईल्ड टू मल्टीप्लाइड बाय ईल्ड थ्री एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय ईल्ड इन्फिनिटी टू दी पावर वन बाय एन माइनस वन इसको सोल्व कर लीजिएगा ये जो ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है यही आपकी के है ये जो जोमेट्रिक मीन आ रहा है यही आपकी के है इंस्टीट्यूट ने देखिए जो एग्जाम्पल दिया है इंस्टीट्यूट ने देखिए जो एग्जाम्पल दिया है कैलकुलेट करनी है हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच Osionfish. आपको पांच साल का डेटा दिया है ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव ठीक है पांच साल का डेटा दिया हुआ है पांचों साल का प्राइस दिया हुआ है पांचों साल का डिविडेंड दिया हुआ है पांचों साल का प्राइस दिया हुआ है पांचों साल का डिविडेंड दिया हुआ है अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसमें तुम पांच साल की ईल्ड नहीं निकालोगे इसमें तुम इल्ड निकालोगे चार साल की आपका जो ईयर वन है ये जो है ये आपके लिए वाई जीरो जैसे काम करेगा ये कैसे काम करेगा Y0 जैसे काम करेगा ये आपके लिए Y1 होगा ये Y2 होगा ये Y3 होगा ये Y4 होगा अब आप Y1 की ईल्ड कैसे निकालोगे Y1 की ईल्ड कैसे निकालोगे डिविडेंड प्लस प्राइस डिवाइडेड बाय P0। आप इसकी ईल्ड कैसे निकालोगे 1.20 का डिविडेंड साढ़े ग्यारह रुपए का प्राइस अब P0 किसको लोगे 9.75 इसकी यील्ड कैसे निकालोगे 1.25 प्लस 11 प्राइस किसको लोगे p0 11.50 इसकी कैसे निकालोगे 1.15 प्लस 10.60 p0 किसको लोगे 11 को एवरीवन 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 यील्ड निकल आएगी यील्ड निकल आएगी

वन बाय फोर माइनस वन वही काम करना जो मैंने आपको सिखाया बारह बारी अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई पावर प्लस वन बारह बारी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आपके में आंसर आ जाएगा आपके सामने आंसर आ जाएगा फिफ्टीन परसेंट जी बेटा क्लियर टू एवरीवन इसके बाद सीएपीएम रह गया है और केआर रह गया है यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट टन पे टेकअप करेंगे यानी कि कल ठीक है उम्मीद करता हूँ आप सब ने सेशन एंजॉय किया है वीडियो को लाइक like जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कल हम लोग सेम टाइम पे दोबारा से मुलाकात करेंगे सात बजे टाइमिंग विल रिमेन सेम से टू एट थर्टी इसी तरीके से सारे रिवीजन हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ब्रश अप हो जाएंगे आपको अदर कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो जो चैप्टर आप मेरे साथ लगा रहे हो उसको आप मेरे साथ ही रहने देना ठीक है सेम टाइम सात बजे सेम जगह कल मुलाकात होगी सात बजे ठीक है दोस्त ठीक है सौरभ ठीक है एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय टू ऑल अ नाइस